दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको उत्तराखंड में सिचुएटेड एक ओवी डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ विजिट करके आपको मजा आ जाएगा। जगह का नाम है चकराता। मैक्सिमम लोग उत्तराखंड में जब एक वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं तो उनके माइंड में आता है मसूरी या नैनीताल जैसी जगह, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्राउड रहता है। पर चकराता में आपको ज्यादा क्राउड नजर नहीं आएगा एंड आप नेचर को करीब से एंजॉय कर पाओगे। इस वीडियो में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि चकराता में आप कैसे पहुंच सकते हैं एंड यहाँ पर कौन कौन सी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा नाम है रजत एंड आप देख रहे हैं सैटरडे शूटर्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चकराता एक कैंटोनमेंट एरिया है एंड दिल्ली से इस जगह की दूरी है 319 किलोमीटर एंड लगभग 7 घंटे की ड्राइव में आप यहां पर पहुंच सकते हैं। जब हम लोग गए थे चकराता तो हमने एक दिन देहरादून एक्सप्लोर किया एंड उसके बाद हम निकल गए चकराता। अब बात करते हैं कि आप यहां पर कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। पहली जगह जो चकराता में आप विजिट कर सकते हैं वो है टाइगर फॉल्स। इस जगह की दूरी चकराता मेन टाउन से है लगभग 18 किलोमीटर। इसका रास्ता बहुत खूबसूरत बना हुआ है एंड रास्ते में आपको काफी अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। लगभग 40 मिनट की ड्राइव के बाद आप यहां पर पहुंच जाओगे। अब एग्जैक्टली वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए दो तरीके हैं। एक तो टाइगर फॉल्स कार पार्किंग तक पहुंच के आप कार वहीं पर पार्क करके आगे ट्रैकिंग करके जा सकते हो। नीचे जाने में आपको लगभग 20 मिनट का समय लगेगा। दूसरा तरीका है कि आप कार से थोड़ा और आगे पहुंच सकते हो। ये रास्ता थोड़ा ऑफ रोड है तो आपको यहां पर थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना होगा। नीचे आपको खाली स्पेस दिखेगा, वहां आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। यहाँ से टाइगर फॉल का डिस्टेंस रह जाता है 100 मीटर। अब जो जगह अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस रास्ते पर आपको आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ स्टेयर्स हैं एंड उसके बाद आपको ये ओपन सी जगह दिखाई देगी एंड यहाँ पर एक ब्रिज भी बना हुआ है एंड साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शॉप्स भी बनी हुई है। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद साइड से रास्ता बना हुआ है एग्जैक्टली वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। दोस्तों ये वाटरफॉल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आपके माइंड में जरूर आया होगा कि इस वाटरफॉल का नाम टाइगर वाटरफॉल ही क्यों है। जब पानी ऊपर से गिर कर नीचे टकरा आता है तो एक रोरिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड इस रोरिंग साउंड की वजह से इस वॉटरफॉल का नाम टाइगर वॉटरफॉल है। इस वॉटरफॉल की आपको एक खास बात और बताता हूँ कि ये एशिया का हाईएस्ट वॉटरफॉल है जिसमें पानी ऊपर से गिरने के बाद डायरेक्टली ग्राउंड को टच करता है। मई जून के टाइम पर आप यहाँ के नेचुरल स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी कर सकते हो। हम लोग इस एरिया में है एंड पानी की ड्रॉपलेट से सारे कपड़े गीले हो गए हैं। ओवरऑल मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया ये प्लेस। बात करूँ यहाँ की टाइमिंग्स की तो आप यहाँ पर दिन के टाइम कभी भी आ सकते हो। यहाँ पर पार्किंग एंड एंट्री टिकट भी आपको लेनी जो कि है अराउंड 50 से 60 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप चकराता में विजिट कर सकते हो वो है चिलमेरी टॉप या फिर चिलमेरी नेक व्यू पॉइंट। ये एक सनराइज और सनसेट पॉइंट है जहां से आपको बहुत सुंदर व्यूज देखने को मिल जाएंगे। चकराता मेन टाउन से इस जगह की दूरी है लगभग 5 किलोमीटर एंड आसानी से ड्राइव करके आप यहां पर पहुंच सकते हो। इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको एंट्री टिकट भी पे करनी होगी जो कि है 100 रुपए फोर व्हीलर के लिए एंड 50 रुपए टू व्हीलर के लिए। एंटर करते ही आपको काफी दूर तक खुला सा ग्राउंड नजर आएगा एंड उस जगह पर आप ड्राइव भी कर सकते हो। इस पूरी जगह से आपको चारों तरफ बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ काफी सारे ट्रीज भी। ये काफी अच्छा पिकनिक पॉइंट है जहां आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ विजिट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर काफी ज्यादा ठंड रहती है तो जैकेट या गर्म कपड़े अपने साथ में जरूर लेकर आना। इस खुले से ग्राउंड के एंड में जाने पर आपको हिमालयन पीक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने आप में काफी सुंदर नजारा लगता है एंड टोटली वर्थ है यहां पर आना। दोस्तों नेक्स्ट प्लेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग बजट ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया में कोई डेस्टिनेशन तो हम आपको अच्छे बजट में पैकेज प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ग्रुप ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम पेज का लिंक प्रोवाइड कर दिया है जिसपे अपकमिंग ट्रिप्स की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हैं चकराता मॉल रोड। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए एंड शॉपिंग के लिए काफी सारी शॉप्स दिख जाएंगी। यहाँ पर पहुँच के आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं एंड यहाँ पर काफी फेमस शॉप्स भी हैं जिसमें से एक है चंदनास द फूड कोर्ट। यहाँ के मोमोज काफी सही होते हैं। शॉपिंग के लिए भी आपको काफी कुछ मिल जाएगा जैसे कि गर्म कपड़े, कैप्स, सनग्लासेस एंड और भी बहुत कुछ। यहाँ से आपको काफी अच्छे व्यूज भी नजर आएंगे। चकराता जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन अभी यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं होते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनको पीसफुल प्लेसेस अच्छे लगते हैं तो गारंटेड आपको ये जगह काफी पसंद आएगी। इसके अलावा चकराता में लोग बर्ड वॉचिंग के लिए भी विजिट करते हैं। अब बात करते हैं कि आप कहां पर स्टे कर सकते हैं। आपको चकराता मेन रोड पर काफी सारे होटल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं जब गया था तो मैंने स्टे किया था हिमालयन पैराडाइज में एंड ट्रस्ट मी यहाँ पर स्टे करके मुझे मजा आ गया। रूम्स बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है एंड ये प्लेस काफी ज्यादा स्पेशियस भी है। इसका लॉन भी काफी ब्यूटीफुल है एंड फूड भी काफी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर काफी सारे रूम के
के टाइप्स बने हुए हैं एंड गूगल पर आप इनकी रेटिंग भी चेक कर सकते हो। अगर आप भी यहाँ पर स्टे करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स मेंशन कर दी हैं, या फिर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बुक कर सकते हैं जैसे कि मेक माई ट्रिप एंड गो आई वीगो। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, एंड मेरे चैनल पर आपको काफी सारे प्लेसेस की इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।